बहुत अच्छा? बढ़िया क्या कहने, वाह वाह, जोर से बजा दो एक बार। तो कविता शुरू नहीं करी, पहले ही रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बहुत गजब। अच्छा वहाँ वाला गाएंगे? समझ गए। ये पेमेंट पे आया श्रोता। ये बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार, मंच को प्रणाम करता हूँ। अभी मुझसे पहले वीर रस के दो बड़े कवियों ने पढ़ा, अभय सिंह निर्भीक जब पढ़े, उसके बाद में आदरणीय विनीत चौहान जी ने पढ़ा। जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे तो मैं बैठा बैठा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। आए हाय, वाह 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 वाह, मेरा बीपी बढ़ रहा था। अच्छा। और मैं क्या करता, मैं तो हास्य का कभी, इसके बाद मुझे हास्य व्यंग का नंबर था ओज के बाद में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा यहाँ पर ओज पढ़ा गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पाकिस्तान में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कभी कहा था कि घर मा काट न पाइन भिंडी, जीते चले हैं रावल पिंडी। मतलब घर में चाहे चाय ना खौला पाए, लेकिन खून खौलाने की बातें मंच से जरूर हो जाती हैं। तो ये विसंगति है। आइए, अच्छा एक बार क्या हुआ, अच्छा वीर रस के कवि जब कविता पढ़ते तो एक चीज जरूर कहते हैं, एक एक देशभक्त की ताली चाहता हूं। अब कौन ना बजाए, और कौन ना बजा के खुद को देशद्रोही साबित करे। अच्छा, तो सबको बजानी पड़ जाती है। अच्छा। तो बार इस बात पे ताली बजाओ, सबको बजानी पड़ जाती है। अब एक वीर रस के कवि की शादी हुई। अच्छा। दिक्कत क्या हुई शादी होने के बाद, कि पत्नी घूंघट नहीं उठा रही थी, पत्नी घूंघट नहीं उठा रही, कवि परेशान। अब उसके अंदर का वीर रस जाग उठा, उसने घूंघट को सरहद समझ लिया और पत्नी को पाकिस्तान समझ लिया। अच्छा। और मजे लीजिएगा, उसने ओज की जो पंक्तियां लिखी हैं, घूंघट नहीं उठा रही पत्नी, बस इसको ध्यान में रखिएगा, उसने लिखा कि बहुत हो चुकी खींचा तानी, घूंघट नहीं उठा रही। अच्छा, ओज में हास्य का मजा मैं दूंगा आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अच्छा। कि बहुत हो चुकी खींचा तानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, बहुत हो चुकी खींचा तानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, अरे कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम, कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम, कसम तुम्हें है भारत माँ की, फिर भी घूंघट नहीं उठा रही। उसने और नीचे चार लाइनें लिखी कि घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। अच्छा। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं, नभ जल थल तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं, मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी दिखा दूंगा, कि मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा, और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। अब वो उसने कवि की कविता सुनी, पत्नी अचेत हो गई, फिर भी दया नहीं आई। फिर दो लाइनें नीचे लिखी, वो आपको समर्पित करता हूं, कि मेरे इस प्रचंड ओज को सुनकर भी वो सोई है, कि मेरे इस प्रचंड ओज को सुनकर भी वो सोई है, इसीलिए ऐलान कर रहा पत्नी घूंघट द्रोही है, इसीलिए ऐलान कर रहा पत्नी घूंघट।